देखिए, जालौर की घटना जो हुई है ना, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अभी मैंने 15 अगस्त के दिन कहा आप साथियों को कि देश के अंदर जो छुआछूत आदमी है देश के अंदर, ये मानवता पे कलंक है ये। और मैंने ये भी कहा आरएसएस बीजेपी को चाहिए, ये हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, हिंदुत्व बात वही कर रहे हैं, एक तरफा ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो उनको पहला काम ये करना चाहिए देश के अंदर, पहले कम से कम शेड्यूल कास्ट के जो हमारे साथी है दलित, वो भी हिंदू ही है, वो बीच वाले हिंदू ही है, तो पहला काम तो ये करना चाहिए आर एस एस बीजेपी को, इनके आपने भेदभाव मिटाएं, छुआछूत को मिटाएं, और भी भेदभाव होते थे एक तरह के, वो सब मिटने चाहिए। तो हमारी सरकार की सोच ये जो मैं बोल रहा हूँ। अब जहाँ तक बात जालौर की बात आई, एक टीचर जो था स्कूल का मालिक था, उनका पार्टनर भी ऑफिशियली अनऑफिशियली एक शल्लुकाश का ही है, और स्कूल में 4-5 टीचर शल्लुकाश के हैं, 20-30-40 परसेंट बच्चे शल्लुकाश के पढ़ते हैं। वो जो घटना हुई है वो तो क्योंकि जांच चल रही है, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के दोनों एमएलए जो हैं, एक कांग्रेस का एक्स एमएलए और प्रेजेंट एमएलए बीजेपी का है, वो भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि भाई ये पानी पीने वाले जो पूरे नेशनल डिबेट बन गई है कि आपकी मटकी में पानी नहीं पीने दिया, वहां का बीजेपी एमएलए ही उसको अभी क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक बार कोई इश्यू बन जाता है, आज का आईटी के जमाना वायरल हो जाता है, वो फिर इश्यू नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो चलता रहता है। अभी वहां डिबेट, हम कह सकते हैं आपको, कल मैंने आने के पहले एडीजी क्राइम होता है नंबर 1 पोस्ट पे डीजी के तरह, वो शेड्यूल के खुद हैं, उनको मैंने फिर भेजा है, आप हकीकत करके मालूम करके आओ कि वास्तव में घटना क्या हुई, क्योंकि कई तरह कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। पर हमने उनको जो कोई घटना तो हुई थी आपके गुजरात में, ऊना का केस हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ है उसका, तो कई घटनाएं यहाँ भी होती है, मध्य आपके यूपी में होती है, कहाँ नहीं हो रही है। पर हमने, हमारी गवर्नमेंट वो है, हर एक्शन, हर घटना पे तत्काल एक्शन करती है। हमने के रिफॉर्म किए पुलिस के अंदर, को 300 दिन लगते थे जांच के अंदर, 50-55 दिन लगते हैं वहां पर। एफआईआर आपको जान के खुशी होगी, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य जहां पर एफआईआर हमने कंपल्सरी कर दी थाने के अंदर। पहले लोग भगा देते थे गरीब लोगों को, बेइज्जती करते थे बोलने के अंदर, अब आपको एफआईआर कंपल्सरी कर दिए, रजिस्टर्ड होगी वरना एसपी के ऑफिस में होगी। आज वहां पर पहले 1500 केस आए थे एसपी के ऑफिस में, अब कोई नहीं आता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोएक्टिव के काम कर रहे हैं, हम लोग अरेस्ट कर देते हैं मुजरिम को, यही होता है। एक केस ऑफिसर डायरी का हमारा सिस्टम है जहां फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज करने का, लीगल ऑफिसर साथ लगाने, लेकिन लीगली कोई कमी नहीं है कोर्ट के अंदर, ये तमाम एक्शन उठाते हैं। गरीब को मुआवजा कितने दे दो भले ही, वो मुआवजा पूर्ति नहीं कर सकते उनकी मृत्यु की, हम जानते हैं इस बात को, पर फिर भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने कहा इनको आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्स्ट्रा मदद करवा दीजिए, वो भी करवा दी गई है। हमारे वहां पे शांति बनी हुई है। आप जानते हो मोदी जी को, जिस रूप में वो अपने आप को पेश करते हैं अभिनेता के रूप में, अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं कहता हूं फिर बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके, अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं, एक सहानुभूति लेने के लिए, और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडोच है जो कह बोल रहे थे, हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकार के बारे में। हम जाके जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था, उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा मैं खुद विकास हूं। तो हमें कहना पड़ा अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई अच्छी बात बोलें।
तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो से जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जिया उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जिया उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है जो फासिस्ट की है, वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है, और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करने वाला था, देश के अंदर पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। अब 27 साल में आप देख रहे हो, और आपसे ऐसा कौन समझ सकता, आप 24 घंटे हम लोगों की तरह ही, हम लोग राजनीति में कार्यकर्ता है, आप पत्रकार की बिरादरी भी समाज सेवा ही करती है, चौथा स्तंभ जो कहलाता था ऐसा ही नहीं कहलाता है, आप भी 24 घंटे ही काम देखते हैं, भाई कोई घटना दुर्घटना क्या फैसले हो गए हैं, क्या फैसले क्या फॉलोआउट हो गए, तो देखते हैं आप लोग। आप ज्यादा कौन समझ सकता है 27 साल का इतिहास देखें, आपके पड़ोस में राजस्थान है, कल बात चल रही थी 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार, हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़ गया है, गुजरात से कोई आता है अगर कार में वो सो रहा है, नींद आ गई उसको, जैसी राजस्थान आया नहीं और नींद खुल जाती उसकी, इतनी सड़कें खराब राजस्थान, ये हम कहा करते थे। आज उल्टा हो गया है, आप सूरत से बड़ौदा जाओ, राजस्थान जाओ, अहमदाबाद आ जाओ, उल्टा बात होगी। आज शानदार तरीके से राजस्थानी गवर्नेंस हो रही है, शानदार सड़कें हैं, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है, सारी जो प्रीमियर संस्थाएं देश की पंडित नेहरू के जमाने की, IIT, IIM, एम्स सहित सभी राजस्थान के अंदर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर वन हम लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि श्री योजना हमने बनाई है, राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हम लोग, सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ी है, आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए विदेशों की तरह। आज हम लोग भी 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं, हमने पूरा इलाज IPD फ्री, OPD फ्री, 5 लाख ने 10 लाख का बीमा कर दिया, पूरे प्रदेश वालों कर दिया, अमीर गरीब कोई नहीं, वो केंद्र की सरकार की में वो खाली 1/3 आबादी के लिए खाली, वो SSCC का जो एक सर्वे किया हुआ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे उन तक सीमित है वो। हमारी स्कीम सब पब्लिक के लिए है, हमारी स्कीम में 10 लाख का बीमा है, उसके अलावा भी अगर कोई परिवार में मान लीजिए 10 में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, और के घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 10 लाख लोगों से 15 लाख लोगों, सरकार उसके लिए अलग से पैसे देगी, उस परिवार को पूरा इलाज फ्री करेगी, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है और शायद दुनिया में भी नहीं होगा। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया हम लोगों ने, और ऑक्सीजन का बीमा साथ जोड़ दिया है, अगर ऑक्सीजन हो जाए, खुदा ने कहा नहीं हो किसी का, तो 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया है। ऑक्सीजन का मतलब खाली रोड ऑक्सीजन नहीं है, बरसात आ गई, डूब गए, बह गए, वो भी उसको 5 लाख का बीमा मिल रहा है। इस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी हमारी कई स्कीम है, वो तो मैं भी बैठ के नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें तो फिर घंटों ही लग जाते हैं। आपको मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपको मैं कोई छोटी पुस्तक या लीफलेट बताऊं, आपकी नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान पड़ोस में राज्य है, शिक्षा में हमने क्या नवाचार किया। आपके यहाँ मैंने सुना 6,000 स्कूलों को बंद कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट जो BJP की थी उसने भी यही काम किया, हमने आगे बाबर मर्ज किया उनको स्कूलों, गांव में स्कूल सुविधा मिलनी चाहिए, अंग्रेजी स्कूल हमने खोल लिया, आज वहां लॉटरी खोलनी पड़ती थी, भीड़ पड़ रही है एडमिशन के लिए,
आप जानते हो इंग्लिश का आज 21st सेंचुरी मोबाइल के बारे में क्या महत्व है। हम ही बचपन में खिलाफ थे अंग्रेजी के, हम भी उसमें पीछे रह गए, पर आज जमाना बदल गया है। गांव के बच्चे इंग्लिश बोल रहे स्कूल के अंदर बचपन से ही, आप कदम करो 10-15 साल के बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। गाँव के बच्चे बॉम्बे दिल्ली लंदन अमेरिका जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कई काम हमने किए हैं कि जो रघु समारी जी तो बोलते रहते हैं हर मीटिंग के अंदर, जगदीश भाई बोलते रहते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पर मुझे दुख होता है कि आपके कोरोना आ गया। अब आप बताइए मोदी जी के राज्य में जहाँ भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ऑक्सीजन की मारामारी पूरे मुल्क के अंदर थी, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा जी, हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनमें 350 तो खाली कोरोना को लेके थी। पूरे प्रदेश के अंदर हम जुड़े हुए हैं आईटी से, गांव तक जुड़े हुए हैं, एक एक चीज को हमने पब्लिक शेयर किया। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी उसको अप्रिशिएट किया हमारे एक्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। आप सोच सकते हो ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़ झगड़ के लिए हमने 3 मंत्रियों को भेज दिया दिल्ली में, सब कुछ किया, दवाई हमने 4 प्लेन से मंगाई बॉम्बे से, एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए, 40,000 रुपए के इंजेक्शन फ्री दिए, मॉडल बना भीलवाड़ा का, आपने सुना होगा पूरे देश के अंदर उसका नाम हुआ, सब कुछ किया। और हमें बड़ी आश्चर्य होता दुख होता था कि आप गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बेड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हावी हो गया प्राइवेट सेक्टर, हावी हो गया। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी अलाउ है, तो कम से कम कंट्रोल में रहा, सारे इलाज फिलहाल हमने किए, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में कोई कमी नहीं दी। अस्पताल के डॉक्टर मांगने थक सकते हैं, हमने देते नहीं थका उनको, जो उन्होंने जो भी कुछ मांगा था। और यहाँ देखते थे कि एम्बुलेंस खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, उसी के अंदर ड्रिप लग रहा है, पूरा भरा पड़ा था अहमदाबाद मेरे ख्याल से, ये सीन आ रहा था। इलाहाबाद के अंदर गंगा के घाट पे देखे आप क्या लाशों की स्थिति हुई। कहने का मतलब कि हर गवर्नेंस में हमारी सरकार देखिएगा आप, और इनको मौका मिला 27 साल का, उसके बाद में इनकी गवर्नेंस क्या है, पूरी कैबिनेट को इनको बदलना पड़ा 100%, इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब सबके सब निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे, तो आपने 3.5 साल रखा ही उन लोगों को, कितना नुकसान हुआ प्रदेश को। तो ये स्थिति में ये प्रदेश आपका चल रहा है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। लंबी बीमारी आई है, गुजरात भी उसमें ग्रसित थे, 7-8 राज्य ग्रसित थे। हमने 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने खुद ने करी मुख्यमंत्री स्तर पर, हम लगे हुए हैं, केंद्र सरकार मांग कर रहे हैं, और मैं इस मौके पर आज पहली बार मांग करूंगा आपके सामने कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करो, क्योंकि गाय माता जो है उसकी जो जिस प्रकार वो तड़प तड़प के मरती है बीमारी के बाद में, कोई सोच नहीं सकता। बीमारी होने के बाद में उसको वैक्सीन नहीं लग सकता है, वैक्सीन पहले लगा हुआ तो वैक्सीन नहीं है हमारे देश के अंदर, दवाइयां नहीं हमारे देश के अंदर, अब जाके प्रयोग हो रहे हैं, कब वैक्सीन आएगी मार्केट के अंदर, स्थिति बड़ी खराब है। और अगर फैलती गई तो कोरोना की तरह ये हमारे गायों को गोवंश को भी तकलीफ देगी। तो अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं तो राज्यों को भी केंद्र को भी जो स्टेट डिजास्टर फंड होता है उनमें से कुछ मदद मिलेगी, और ज्यादा अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। ये मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से लंपी स्किन की बीमारी बहुत खतरनाक है और करीब 7 राज्यों में फैल चुकी है, राजस्थान में करीब 20 जिलों में फैल चुकी है, गुजरात में मैंने सुना कि बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पे भी इसको लेके भी। इसलिए मैंने आपको कहा कि बातें करने को बहुत सारी है, पर मेरा मानना आपसे यही है कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर भी इन्होंने देखिए न्याय नहीं किया पब्लिक के साथ में, कोरोना की वैक्सीन जो है बीजेपी दफ्तर में छिपा के रखी गई, बीजेपी दफ्तर सूरत के अंदर उसको डंप किया गया, और सूरत से और बीजेपी दफ्तर से आप बांट रहे हो उसमें भेदभाव होगा पार्टी के आधार पर, ये कभी होता है क्या? हमने वहां क्या किया, ये बड़े रघु शर्मा जी, हमने 2-3 बार बुलाई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग, सबको बुलाया, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीटीपी जो भी थे,
बैठ के शुरू में चर्चा करनी हम लोगों से, हम सबको मिलकर लड़ना है इस कोरोना से, महामारी सबके लिए विश्व स्तर की महामारी है, ये किया हम लोगों ने। धर्म गुरुओं को बुलाया, उनको जोड़ा, एक्टिविस्ट को जोड़ा, एनजीओ को जोड़ा, पत्रकारों को जोड़ा, और सबके सहयोग से ऐसी फिजा बना दी हमने प्रदेशवासी, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए लॉकडाउन के अंदर भी। और मुझे खुशी कहते कि हमारे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए जो थीम थी, एक तरफ सरकार ने सर्वे करवाया, कोई डेस्टिट्यूट भी है, रात को सुलाते हैं, स्टेशन पे सुलाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ठेले वाले होते हैं, जब लॉकडाउन लगे ठेले वाला क्या करे, वो कहाँ भेजे सामान को, उन लोगों की लिस्ट अलग बनाई, सबको 5 बार किस्तों में पैसा भेजा हमने 5,500 रुपये। और साथ में हमने ये जो आह्वान किया, आप मुझे खुशी कहते हुए, मेरे कहते गुजरात में कमी नहीं है दानदाताओं की और भामाशाहों की, ये तो आपका प्रदेश तो बरसों से जो है इतिहास गवाह है कि उद्योगीकरण के अंदर भी, भामाशाहों के अंदर भी, दानदाताओं में भी अच्छी अच्छी संस्थाएं यहाँ पर काम करे, किया होगा काम उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने कमी नहीं रखी, आम लोगों ने भी रिस्क लेकर के लाइफ की, क्योंकि कोरोना कोरोना ही था, कितने लोगों की डेथ हो गया बताइए, हमारे अहमद पटेल साहब चले गए, कई लोग चले गए उस वक्त में, तो मैं समझता हूँ हमने इतनी शानदार प्रबंधन किया, उस रूप में कंट्रोल किया, यहाँ बिक रही है, अब बेच रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीजेपी दफ्तर से, इसमें भेदभाव। पर आपको शायद जानकारी कि बम्बई में पकड़ा गए थे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस प्रकार से सरकार के अलावा, तो वहां की सरकार ने जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि ये जो थाने में जाके उनको पकड़ा गया, तो मालूम पड़ा ये भी सुरक्षा ही हुई है बॉम्बे के अंदर, इसका मतलब बीजेपी ने ही काम किया, इसमें भेदभाव किया। और ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के राज्य में इस प्रकार अगर दफ्तरों में जाकर के वैक्सीन बांटी गई तो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, मेरा मानना है। बाकी तो नोटबंदी, GST, मर्जी अभी बदल रहे हैं, उसके बार बार स्लैब, कितनी तकलीफ हो रही है, आज सब व्यापारी दुखी है, कोई बोल नहीं पा रहा, ईडी के दर से आजकल तो राज ईडी कर रही है, ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है देश के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी उसके ऊपर। बताइए आप, जो CBI के पास पावर नहीं है वो ईडी के पास आ गए पावर, बिना आपके घर में घुस करके आप अरेस्ट कर सकते हैं, नोटिस दिए बिना कारण बताए हुए, बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण बताए आपकी संपत्ति सीज कर सकते हैं, बिना कारण बताए हुए। और जो FIR होती है पुलिस में उसी ढंग के वहां पे दूसरी FIR होती है, कोई नाम दूसरा लंबा उसका, उसकी कॉपी देने की आवश्यकता नहीं उनको, आज थाने में कोई FIR होगी तो आप कॉपी लेने का अधिकार है आपको संविधान के अंतर्गत भी, वो कॉपी नहीं देंगे आपको, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी उसको। बताइए ये हालात है, क्या हो रहा देश के अंदर, सब घबरा हुआ, पूरा मुल्क घबराया हुआ है, ये हालात में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ड्रग बहुत चल रही है आपके यहाँ, पकड़ी जा रही, कल परसों ही 2,000 करोड़ की या 2,500 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, पहली पकड़ी गई थी, तो क्या हो रहा है गांधी के प्रदेश के अंदर। हमें तो गर्व होता है गांधी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, पूरा दुनिया मना रही है अहिंसा दिवस को गांधी के नाम से, जो गांधी गुजरात के थे, हम सबको गर्व है। और उस महापुरुष के प्रदेश के अंदर शराबबंदी खाली कागजों में रह गई है, बिना सरकार की मिली भगत के, अधिकारियों की मिली भगत संभव नहीं है कि पूरी तरह शराबबंदी जहां नहीं है ना, उन प्रदेशों की तरह यहाँ शराब की बिक्री होती है, टेलीफोन कर दी साहब आराम से घर पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी होने लग गई है। जब मैंने आरोप लगाया तो आपके मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने मेरी आलोचना करी कि मैं बदनाम कर रहा हूँ प्रदेश को, मैं को बदनाम कर ही नहीं सकता गांधी के प्रदेश को, कैसे बदनाम कर सकता हूँ मैं, और सही बात कहता हूँ, तो आपको उसको एक्शन करना चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए, आप भी करें हम भी करें। मेरा मतलब ये था कि जो कहां से आती है, पड़ोसी राज्यों से आती है, पड़ोस राज्य कौन सा, राजस्थान के अंदर आता है, उसके अंदर सब राज्य आते हैं, जहां जहां आते हैं। तो आप अगर अपने बातचीत भी करें, पहल करें, गुजरात पहल करे, क्योंकि गुजरात तकलीफ पा रहा है शराबबंदी के बावजूद भी। पड़ोसी राज्य सरकार से बातचीत करें, हम लोगों ने बातचीत करें, हम सहयोग करेंगे कि हमारे यहां से शराब कोई कीमत पे नहीं जाए आपके, तो दोनों सरकारें मिल गई तो कर सकती है हर जगह पर, तो कोई इंटरेस्ट नहीं इनका, पता नहीं उनके कितने कुछ के जो महंगाई बेरोजगारी इस देश के अंदर। देखिए आप, धर्म के नाम पे राजनीति से आसान चीज कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर,
हिटलर भी और जो जो हुए थे आकाश ऐसे जिन्होंने बर्बाद कर दिया लोकतंत्र को, वहां पे भी धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई थी। जिस जिस देशों के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई, आखिर वहां पर क्या हुआ, लोकतंत्र कायम नहीं रहा वहां पर, आपको मालूम है। वो आप बताइए, यहाँ पर राजनीति धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हो रहा खुल के, मतलब दुस्साहस देखिए आप आरएसएस बीजेपी का, दुस्साहस कहूंगा मैं। इस देश में डेमोक्रेसी 75 साल से कायम है डेमोक्रेसी, देश एक रहा, अखंड रहा, चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर सरदार बैंस ही नहीं शहीद हो गए, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, पर देश को एक अखंड रखा। लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में होती है कि इतने बड़े मुल्क में 135 करोड़ की आबादी है, धर्म जाति वर्ग अलग अलग, तब भी इस मुल्क में कैसे लोकतंत्र कायम रह गया। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर, और दो टुकड़े हो गए। अगर हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पाकिस्तान को जरा हमारे सामने, वो भी एक धर्म के नाम पे अलग हुआ था और दो टुकड़े हो गए। आज उसके क्यों हो गए, एक धर्म के होते हुए भी हो गए। यहाँ तो अलग अलग धर्म भी, वहां भाषा अलग थी, बांग्लादेश की अलग भाषा है, वहां की अलग भाषा थी, वो भी एक कारण था। तो क्या होगा इस देश के, इतनी भाषाएं, तमिलनाडु वगैरह आपको मालूम है आजादी के बाद से ही लगातार कई तरह की वहां पर हिंदी को लेके इंग्लिश को लेके कई आंदोलन हुए वहां पर, आत्मदाह लोगों ने किए जमाने के अंदर। आप लोग जो सीनियर बैठे उन सबको मालूम होगा उन जमाने में क्या क्या नहीं होगा। तो ये जो बात आज आ रही है बेरोजगारी की, महंगाई की, कांग्रेस 28 तारीख को, मैं समझता हूँ संबत 28 को होगा या 27 हमारे बैठे होंगे, इनको मालूम होगा कि डेट फिक्स करके जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर पर रैली करेगी कांग्रेस, राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक में अच्छी रैली हुई हमारी, पब्लिक तंग आ गई है बेरोजगारी से, हाका मचा हुआ युवाओं के अंदर, और महंगाई की तो जान निकल गई, महिलाएं दुखी हो गई, अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पा रही है। तो ऐसी स्थिति में देश चल रहा है, और बेरोजगारी में आप देखें तो राजस्थान में 3 लाख नौकरी है, 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है, 1.25 लाख नौकरी का प्रोसेस चल रहा है, और 1 लाख नौकरी में भी और अनाउंस किया बजट के अंदर। और यहाँ मैंने सुना बेचारे जो 25-25 साल से 20-20 साल से 15-15 साल से कर्मचारी बैठे हैं, वो भी टेम्परेरली है, कोई कॉन्ट्रेक्ट का कोई आपके कोई सिस्टम बना रखा है, उसके आधार पर आप उनको मतलब चला रहे हो मेरे ख्याल से। वो क्या सिस्टम है, अलग ही सिस्टम है, तो वो सिस्टम अलग ही है, कोई बात नहीं, क्या सिस्टम होगा, तो ये सिस्टम से वो चल रहा है। तो ये मैं कह रहा था आपको कि वो लोग जो है फिक्स वेतन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, आप क्या है फिक्स वेतन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली आउटसोर्सिंग करके करते, क्या जुल्म हो रहा है, क्या पता नहीं आपके यहाँ के जो कर्मचारी बेचारे ऐसी परिवार से आते होंगे, क्योंकि ये सक्षम राज्य आपका है फाइनेंशियली भी, तो मैं समझता हूँ यहाँ ज्यादा वो लोग आते होंगे जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होंगे, वो आवाज नहीं उठा पा रहे होंगे उनके, ऐसा कभी होता नहीं है, स्ट्राइक हो जाती है, आंदोलन करते हैं लोग बाग, कर नहीं पा रहे होंगे। ओल्ड एज पेंशन आपने सुना होगा, मैंने लागू किए ओल्ड एज पेंशन लागू करी राजस्थान के अंदर। आप बताइए नई पेंशन शेयर मार्केट के आधार पर तय होती है नई पेंशन, कल्पना कीजिए आप, यूक्रेन का युद्ध भी आ गया, उस पर कौन सा युद्ध आ जाए, जब वो बेचारा 35 साल बाद रिटायर होगा ओल्ड एज के अंदर, तब पेंशन मिलेगी, शेयर मार्केट का उसमें वेट क्या है, उनकी पेंशन उससे लिंक कर दी उन्होंने नई पेंशन को, ये मानवीय दृष्टिकोण के खिलाफ थी, तो हमने ओल्ड एज पेंशन लागू वापस करी राजस्थान के अंदर, पूरे देश में कर्मचारी वेलकम हो रहा उसका, खाली छत्तीसगढ़ ने किया मेरे बाद में, और करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र सरकार खुद नहीं कर रही है। तो मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री जी से गुजरात की धरती पर कि आप 27 साल से राज कर रहे हो यहाँ पर, लोग दुखी हो गए आपके राज से, पब्लिक दुखी है, तो आप मैनेजमेंट करके साम दाम दंड भेज दो कि आप देख ही रहे हो क्या हो रहा देश के अंदर, क्या सरकारें गोवा के अंदर, मणिपुर में बड़े गर्व के साथ में सीना फुलाए चल रहे दिल्ली के अंदर कि आपके मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र, राजस्थान को उन्हें बचा लिया, वरना मैं आपके सामने अभी नहीं बैठा होता मुख्यमंत्री रूप में, मुख्यमंत्री को दूसरे होता है यहाँ पर,
आप सबके आशीर्वाद या शुभकामना से मैं भर गया हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं रहता मुख्यमंत्री के रूप में, और ना मैं और बात कर सकता था। तो ये जो है ये दुआएं थी प्रदेशवासियों की, हमारे एमएलए ने देखो आप मेरे साथ में बैठे हुए थे एमएलए, चौथी दिन में बैठे हैं, बाहर जाओ होटल के बाहर पहली किस्त 10 करोड़ की थी, वहां 10 करोड़ की पहली किस्त थी, उसे छोड़ के बैठे रहे, इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आपको। बीएसपी के साथ जुड़े मुझसे, 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया उनका आज तक, 1 रुपया नहीं दिया, ऐसा कभी होता है राज्यों में? इंडिपेंडेंस साथ दिया हमारा एमएलए ने, कोई हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया बेचारा, फिर भी 4.5 साल से 7 दे रहे हम लोग। ये गुडविल होती है सरकार की, उसके आधार पर राजस्थान सरकार चलती है। यहां इतना नहीं है कि जीतने के बाद में आप तोड़ रहे हो कांग्रेस एमएलए को, ये गुजरात का मॉडल गांधी का मॉडल होना चाहिए कि ये मॉडल कौन सा आ गया, मोदी का मॉडल कौन सा आ गया कि जीत गए आप, मेजोरिटी आपकी है, सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है, तब भी तोड़ करके आप चुनाव करवा रहे हो। 17 में नहीं 12 में ऐसे ही किया इन लोगों ने, राज्यसभा चुनाव में ऐसे करते हैं, चुनाव पोस्टपोन करवा देते हैं राज्यसभा के लोग, अभी हॉस्टलिटी पूरी नहीं हुई हमारी, हम कैसे पूछ सकते हैं? मालूम है कि इनके साथ हमारे चुनाव पोस्टपोन हो गए थे राजस्थान के अंदर, क्योंकि हॉस्टलिटी पूरी नहीं हुई थी यहाँ पर सत्य सिंह के चुनाव पे। वही तो कह रहा हूं मैं, उसी की बात कर रहा हूँ कि आप और भरत भाई के चुनाव में वो हॉस्टलिटी पूरी उस वक्त हुई नहीं थी उनकी, वहां पे हमारे वेणुगोपाल थे। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर है, और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के जो हालात है उसको लेके तो आपको हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच सकें आने वाले वक्त के अंदर, जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे, सर्वधर्म संभाव लोकतंत्र की जो भावना है संविधान की, लोकतंत्र समाजवाद सर्वधर्म संभाव की, यही देश को एक अखंड रख सकता है, वरना आज आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जो हम नहीं निभा पा रहे मीडिया वाले भी, क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं इस कोरोना में, आप लोगों की तनख्वाही कम हो गई होगी कई लोगों की, आप मेरे कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, क्योंकि मालिकों पर इतना दबाव है ईडी का और सीबीआई इनकम टैक्स का कि आपके मालिक लोग, आपके मीडिया वाले जो मुझे ये कैच कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले भी, इनके सबके मालिक डरे हुए हैं, इसलिए गोदी मीडिया नाम पड़ा, गोदी मीडिया, बताइए आप। तो ये क्या कर रहे हैं, तो मेहनत करते हैं दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं कि भाई कोई हम पीछे नहीं रह जाए, इनमें कॉम्पिटिशन चलता रहता है, हमें बहुत धक्के लगाते रहते हैं, मौका लगता है भाई भाई 1-2 मिनट की भाई दे दो, आप इतनी मेहनत करते हैं, बाकी आप जानते हो कि मालिकों की स्थिति जो अलग है उसमें आप क्या कर सकते हो। तो मैं खुद इन बातों को महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया, धन्यवाद आपका।